कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी पहचान के उत्कर्ष पर होते हैं तभी लगने लगता है कि हमें कुछ और बन जाना चाहिए। और ऐसा ही आज के मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। जब वो बहुत मशहूर थे, जब बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, जब उनकी पहचान बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, तब उन्हें लगा कि उन्हें उद्योगपति बन जाना चाहिए, उन्हें बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए क्योंकि उनमें क्षमताएँ हैं। और उन्होंने कंपनी ABCL के नाम से बनाई, जिसने कई सारी फिल्में भी बनाई और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। लेकिन हुआ यूं कि पूरी कंपनी उनकी डूब गई, वो दिवालिया हो गया और डिप्रेशन के शिकार भी रहे बहुत दिनों तक। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब उनके मन में ख्याल आया कि वो एक अभिनेता है और यही उनका कोर है, यही उनका फोर्टे है, यही उनका व्यक्तित्व है और यही उनकी संभावना है। इसी से तो सब कुछ पाया था, फिर मैं कहाँ उद्योगपति बनने चला गया। और फिर उन्होंने अपने जीवन की दूसरी पारी फिर उसी अभिनेता के रूप में शुरू की और वो फिर महानतम व्यक्तित्व के मालिक तो थे ही, और आज उनका जीवन एक सफलता का महान उदाहरण बन चुका है। इसी तरह 1948 में जब इसराइल जैसा देश बना तो वहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनको निमंत्रण आया कि आप इस नए देश के राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि आइंस्टाइन भी जू थे और जू लोगों का ये देश बना था जिसे इसराइल हम कहते हैं आज। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने बहुत विनम्रता से इस आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति के रहस्य हैं इसको सुलझाने में जो मुझे आनंद आता है वो राजनीति के रहस्य सुलझाने में नहीं आता, और बेहतर है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक ही बना रहा हूँ, मुझे राष्ट्र नेता या लीडर बनने की कोई चाहत नहीं है। तो आइंस्टाइन ने गहराई से ये समझ लिया था कि उनका व्यक्तित्व एक वैज्ञानिक का व्यक्तित्व है और वो उसी के साथ रहे इसलिए वो सुखी रहे। शायद हम सोच सकते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो महामहिम कहलाते और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद आइंस्टाइन को वो चीज़ें सुख नहीं देती जो एक राजनीतिक को दे सकती हैं। तो फिर उस शायर की बात में ये सच्चाई है कि अपने दिल में डूब के पाले सुरागे ज़िंदगी, अपने दिल में डूबे, अपने अंदर गहराई से उतरें और जाने कि आपकी क्या संभावना है। और जब एक बार वो पहचान मिल जाए, जब ये समझ में आ जाए कि यही वो मेरी पहचान है, तो उसके साथ स्टिक करें, उसके साथ रहें, और कृत्रिम ये बनावटी जीवन जो है दिखावे के लिए चीज़ों को करना और बनना, मेरे ख्याल से वो आपको संतोष और सुख नहीं दे सकता। एक महान कवि ने कहा है कि अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो चाँद बनिए, चाँद नहीं बन सकते तो तारे बने, और तारे भी नहीं बन सकते तो एक छोटा सा दीपक तो बन ही सकते हैं आप। वही बने जो आप बन सकते हैं। अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो चमेली का फूल बने, रात रानी का फूल बने। रात के मौसम में तो आप जानते हैं कि गुलाब की क्या औकात, उस समय तो रात रानी ही महकती है। तो आप जो कुछ भी हो सकते हैं वही बनने की कोशिश करें। मैं नहीं जानता कि स्वाभाविक बने रहने से या जो कुछ भी हैं आप वो बने रहने से आप कितनी उपलब्धियां पाएंगे, लेकिन एक चीज़ की शायद गारंटी है कि आपका जीवन सुखमय जरूर होगा, आपको सुख का एहसास होता रहेगा।